दोस्तों नमस्कार। हर व्यक्ति को कभी न कभी सिर दर्द का सामना अवश्य करना पड़ता है, जिसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें मुख्य है गैस का बनना, एसिडिटी का अधिक होना, माइग्रेन और तनाव। ये ऐसे कारण हैं जिनका सामना हर व्यक्ति को करना पड़ सकता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम बिना दवाइयों के सिर दर्द से बच सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि दवाइयों के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। इसके अंदर जो सिरदर्द है, इससे बचाव के लिए दो पहलुओं पर आज हम बात करेंगे। एक है प्राणायाम और दूसरा है एक्यूप्रेशर। एक प्राणायाम है जिसको हम अनुलोम विलोम कहते हैं, वो इस प्रकार किया जाता है कि दाएं नाक को बंद करके दाएं हाथ के अंगूठे से बाएं से सांस लेना है और दाएं से छोड़ देना है, फिर दाएं से लेना है और बाएं से छोड़ देना। लेफ्ट से लिया तो राइट से छोड़ दिया और राइट से लिया तो लेफ्ट से छोड़ दिया। इस प्राणायाम के करने से हमारे मस्तिष्क और शरीर के प्रत्येक भाग में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे सिरदर्द ठीक हो जाता है। हम आज मुख्य रूप से बात करने वाले हैं एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को लेकर के। देखिए, ये एक यंत्र है जिसे जिम्मी कहते हैं। ये मिल जाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप पेन पेंसिल के पिछले हिस्से से या उंगली से भी ये एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स को दबा सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहला पॉइंट है हमारे नाक के राइट साइड में जो जड़ है उसके इस पॉइंट पर। इसको 2 से 5 सेकंड के लिए दबाना है या इसको इस प्रकार मोशन भी दे सकते हैं सर्कुलर उसमें। फिर दूसरी साइड में इस पॉइंट को ध्यान से देख लीजिएगा, पहले राइट साइड में फिर लेफ्ट साइड में। इसके बाद में नाक के साथ साथ हम दबाते हुए चलेंगे इस प्रकार से। दूसरी साइड से भी यदि कफ के कारण से सिरदर्द है तो ये पॉइंट बहुत काम आते हैं। हमारे माथे के बिल्कुल बीच में बिंदु है जिसे थर्ड आई कहा जाता है, इसको दबाना है 5 से 10 सेकंड तक इस प्रकार से। आंखों के ऊपर से इस प्रकार, जो मैं ये रेखा कह रहा हूं, यहां हमें बिंदुओं को दबाना है इस प्रकार से, एक एक सेकंड, दो दो सेकंड के लिए। दूसरी साइड में इसके अलावा देखिए, आप दोनों हाथों की उंगलियों से इस बोन को, जो ये टेम्पोरल बोन है, इसके बीच में इस प्रकार दबाव दे सकते हैं 5 से 10 सेकंड के लिए इस प्रकार से। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, अपने हाथ को इस प्रकार करके अपने खोपड़ी को इस प्रकार पकड़िए और ऐसे पहले एक दिशा में गोल गोल घुमाने की कोशिश कीजिएगा यूं, फिर दूसरी दिशा में, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन पॉइंटों के अतिरिक्त कुछ विशेष पॉइंट हैं, जैसे जो आपका अंगूठा है उस अंगूठे को इस प्रकार से दबाइएगा यूं, ये ऐसे दोनों हाथ के अंगूठों को
इसको भी, ये सिर दर्द को ठीक करने का काम वैसे ही करता है जैसे इंजेक्शन करता है। इसको इस प्रकार से माइग्रेन के लिए विशेष पॉइंट बता रहा हूं मैं। हमारी हथेली में ये जो तिकोना हिस्सा है, ये वाला यहां पर पॉइंट है, इसको दबाए रखना है 5 से 10 सेकंड के लिए। माइग्रेन के लिए विशेष, महिलाओं में ज्यादा माइग्रेन होता है, माइग्रेन के लिए विशेष पॉइंट है ये। दूसरे हाथ में भी इस प्रकार से हम कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको इन पॉइंटों से सिर दर्द ठीक हो तो कमेंट में लिखिएगा, और यदि इसके बावजूद कोई प्रॉब्लम रह जाए तो मैं कमेंट में अपना नंबर दे दूंगा, आप मेरे से संपर्क कीजिए, कुछ और बातें भी इसके अंदर हम प्रयोग में ला सकते हैं। मैं एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।